पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है। हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गज नहीं थे, नशेड़ी आदमी, इसीलिए उनको सब लोगों ने त्याग दिया गज बहुत पहले से। आपको कुछ जानकारी हुई है कि कल एक शूट आउट हुआ है उसमें लॉलेस का नाम बताया जा रहा है? हाँ, टीवी में देखा। कैसा है ये लॉलेस और किस तरह से ये कैसे वहाँ पहुँच गया, कुछ जानकारी है आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है, ना हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या घर में नहीं रहता? ना। कब से प्रयागराज में रह रहा है? हमें नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 रोज 5-6 रोज पहले साल। हमसे घर से किसी कोई चीज़ से मतलब गज नहीं आता था। अपना नहा धो के जब भी 4-6 रोज में आता था, नहा धो के अपना निकल जाता था। अच्छा, ना अच्छा, किसी चीज़ से मतलब था। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है। हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गज नहीं थे, सालों से बोल चाल बंद। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा था। कौन सा केस? अरे, एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इसे चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? दोस्तों, हाँ, उसमें जेल गया था। तो जमानत से कब छूट के आया था? अरे, हमको याद नहीं, 1-1.5 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है जी। क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं, काम नहीं, नशा करता है, नशेड़ी आदमी, इसीलिए उनको सब लोगों ने त्याग दिया घर बहुत पहले से। अच्छा अच्छा, ये जो कल प्रयागराज में मामला हुआ है, इसमें कौन थे वो आपके? लवलेश तिवारी था, बाकी दो का मुझे नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, वो कौन है, मतलब लवलेश साहब के बड़े भैया? अच्छा, वो कब आते थे यहाँ बांदा, कुछ उसका आइडिया है? कोई आइडिया नहीं था, वो कब आए कब जाए कुछ नहीं बताते थे वो। अच्छा, लास्ट टाइम कब घर आए थे वो? एक वीक। अच्छा, वो जब आते थे तो कैसा कुछ ऐसा लगता था कि कभी ये इतना बड़ा? नहीं सर, किसी संगठन वगैरह से जुड़े थे क्या? नहीं सर, बस बजरंग दल से थे, वो 5-6 साल पहले ही छोड़ दिया था हमने। अच्छा, अभी फिलहाल क्या काम कर रहे थे? कुछ नहीं करते सर। कहाँ रह रहे थे सर? यहीं पे रहते थे, बांदा में। प्रयागराज 4-5 दिन पहले गए हैं अभी? सर कुछ नहीं पता, वो जहाँ जाते थे बताते नहीं थे, हम पूछते भी थे नहीं बताते थे। इससे पहले भी तो जेल जा चुके हैं शायद? गए थे बट फिर वो चले आए थे 1-1.5 साल के लिए। भगवान का भगत था? भगत भगवान मेरे पिता तो मेरे संकट मोचन दर्शन करके आता था। पहले दर्शन करने जाता था? हम नवसिया में रहता, सीताराम में रहता, गाता बजाता भी, मंडली में साथ ले जाती रही, पता नहीं इसको नसीब में क्या लिखा था। इतना परसवाटती था, सबको बरसात करता था, अपना काम धंधा घर छोड़ के परसवाट बहुत करता था। किस्मत में क्या लिखा है, क्या नसीब नहीं जाता। आखिरी बार कब आया था माता जी घर? एक हफ्ते हो गए जब से गए, दूर से कोई बातचीत नहीं है, फोन भी स्विच ऑफ जाता है। क्या करता था ये? ऐसे घूमता फिरता रहता सर। कुछ मामले हमले भी दर्ज किए उसको? जी सर। कितने लोगों को दर्ज? मालूम नहीं है सर। कै भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई थे सर, एक भाई खत्म हो गया मेरा। अच्छा जी। सनी कब से नहीं रहता है यहाँ? ये काफी दिन हो गए सर। सनी अपराधी कैसे बना? अपराधी सर जाके ऐसे ही जाके घूमता फिरता सर, बस फालतू के काम जाके अन्न बन। और क्या पहले क्या किया करता उसने? कुछ नहीं सर, ऐसे ही। अपराधी कैसे बना, कैसे उसने पहला कौन सा क्राइम किया? कुछ नहीं किया था, हमको नहीं मालूम सर। जाके हम तो अलग जाके रहते हैं ना, हमने जाके उसको जाके बचने जाके देखा नहीं है, बस छोटे थे जाके भग गया था बस। और क्या सर? कल अतीक अहमद जो मारा गया, तो आपके भाई का नाम शामिल है, आपको जानकारी है? जी हमको नहीं मालूम सर।
उससे।